गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम हो गए रेडी और हम जा रहे हैं प्रीति को ड्रॉप करने। और बस प्रीति रेडी हो रही है, उसका बैग वैग रेडी हो चुका है। और अबीर, वेयर आर यू गोइंग? गोइंग टू ड्रॉप मम्मी। या बस उसके बाद हमारी स्विमिंग है। और प्रीति सूरी इस टाइम बहुत रश कर रही है क्योंकि उसको स्टेशन पहुंचना है अपनी फ्रेंड से मिलने। हेलो, तो फाइनली मैं जा रही हूँ गर्ल्स डे आउट पे। आई एम सो एक्साइटेड। क्या क्या होने वाला है, हम कहाँ कहाँ जाने वाले हैं, सबके बारे में मैं आपको बताऊंगी। ये सिर्फ गर्ल्स डे आउट, मैं इतनी एक्साइटेड हूँ बता नहीं सकती आपको। ये सिर्फ गर्ल्स डे आउट नहीं है, मैं आपको आज यूके की ट्रेन जर्नी भी दिखाऊंगी। एंड या यू गाइस गोना सी, यस आई एम गोइंग टू लंदन गाइस। बताओ हमें, वी विल डू अ बॉयज डे आउट। या चलो लेट्स गो बेबी। अभी प्लीज सिट डाउन एंड बकल अप, कम ऑन वी हैव टू गो। तो हम लोग गाड़ी में बैठ चुके हैं और ये दोनों मुझे ड्रॉप करने जा रहे हैं। माय छोटी मोटी, आई विल मिस यू बेबी। ओह माय गॉड। और मेरी फ्रेंड मेरा वेट कर रही है ट्रेन स्टेशन पर। जस्ट से मम्मी हैव फन टुडे, यू डिजर्व इट। ओह थैंक यू सो मच। तो एक्चुअली मेरी फ्रेंड की सिस्टर का बर्थडे है एंड दे हैव इनवाइटेड मी आल्सो, सो काइंड ऑफ देम। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज कुछ भी कह लो, लंदन की वाइब्स ही अलग है। तो और ऊपर से गर्ल्स डे आउट, माय गॉड। क्या पता लंदन की वाइब क्या होती है, हम तो ब्रिस्टल में हैं। पता है, बंदा लंदन में काम करता है, रोज लंदन जाता है, ठीक है, और कह रहा हमें क्या पता। पता है मैं पूरे बस लास्ट टाइम तुम लोगों के साथ गई थी फैमिली, जब हम हैरी पॉटर वर्ल्ड गए थे, है ना। तो बस मेरी दोस्त मेरा वेट कर रही है इस ट्रेन स्टेशन पे। तो ट्रेन स्टेशन पहुंचते हैं, मेकअप वेकअप क्या लुक होगा, क्या क्या होगा, सब कुछ रख लिया है मैंने। वो सब कुछ मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगी। मैं वो जब भी मेट की रीत हूँ, रीति था ना उसका नाम, जो भाग भाग कर काम करती है, मैं वही कर रही हूँ अभी। तो मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। और क्या पूछ रहे हो, मैं सोई कितने बजे थी? मैं सोई थी कुछ 4 बजे। अच्छा, क्योंकि आप लोगों की स्पेशल रिक्वेस्ट में मैंने डेली व्लॉग्स डालने शुरू कर दिए हैं। देखते हैं कहाँ तक पहुँचती है गाड़ी हमारी। तो मैं व्लॉग एडिट कर रही थी, फिर व्लॉग को पब्लिश शेड्यूल करा और मैं सोई और मैं 7:30 पे दोबारा उठ गई। एनीवेज मेरी कथा पुराण को ख़त्म करते हैं और पढ़ते हैं हम स्टेशन की तरफ, राइट। गाइज हम लोग ट्रेन में बैठ चुके हैं। आई एम सॉरी मैं आपको स्टेशन इतना नहीं दिखा पाई क्योंकि एज यू नो आई वॉज रनिंग और मैं बहुत लेट हो चुकी थी। तो मैंने आपको थोड़ा सा प्लेटफॉर्म का व्यू दिया है और इतना शोर था क्योंकि ट्रेन आ रही थी जा रही थी, हम लोग बिल्कुल बात नहीं कर पाए मैं और आशी जब हम प्लेटफॉर्म पर थे क्योंकि बहुत रश था वहाँ पे। सो हियर यू गो गाइज, दैट्स माई फ्रेंड। सो ये राशि है, अभी हम बस ट्रेन में ज़रा सेटल हो जाते हैं, फिर मैं आपको ट्रेन भी दिखाती हूँ थोड़ी देर में, क्योंकि शायद हमें एक चेंज करना है ना बात स्टेशन से। दो चेंज हैं हमें, दो चेंजेस हैं हमारे, क्योंकि आज संडे है, संडे को बहुत मेंटेनेंस वर्क रहता है पूरे यूके में ही ट्रेन लाइंस पर। तो आज इसलिए हमें दो चेंजेस करने पड़ रहे हैं, अदरवाइज ब्रिस्टल से डायरेक्ट ट्रेन है लंदन की। तो अभी हम जा रहे हैं बाथ स्टेशन और वहाँ पर हमें राशि की भाभी मिलेंगी और लाइक हम उसे भाभी नहीं बुलाते ना, चहल मिलेंगी, उसका नाम है चहल, शी इज़ ऑफ आर एज ओनली, इनफैक्ट मेरे से तो छोटी होगी, है ना। तो हाँ, तो हम दोनों से ही छोटी है वो, तो उससे मिलेंगे, उसके बाद हम अपने आगे की जर्नी शुरू करेंगे। तो चलते हैं अभी बाथ स्टेशन और मिलते हैं आपको वहाँ पर। तो हम लोग बाथ स्टेशन पहुँच गए हैं, बट वी आर नॉट गोइंग टू चेंज द ट्रेन फ्रॉम हेयर। तो जो हमारी तीसरी दोस्त है चहल, वो हमें यहीं से ज्वाइन करेगी। तो गाइस चहल आ चुकी है, सो हियर यू गो, शी इज चहल। हाय। सो ये राशि की भाभी है, लेकिन भाभी जैसे दिखती नहीं है, हमसे भी वो छोटी है ये एज में, है ना। तो हम भाभी नहीं, नो नॉट भाभी, शी इज माय सिस्टर। तो बस आज बहुत ही मजा आने वाला है। तो बस वी आर ऑन आवर वे नाउ टू लंदन, राइट। तो नेक्स्ट ट्रेन चेंज करनी है हमें वेस्ट में, तो ठीक है चलो। इतनी देर मैं अपना मेकअप वेकअप करती हूँ एंड देन स्टे ट्यून्ड गाइस, अभी मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। सो जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस करा था
कि मैं आपको आज ट्रेन भी दिखाऊंगी यूके की. सो आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट. एक्चुअली मैंने एक्सपेक्ट करा था कि आज संडे है तो ट्रेन थोड़ी खाली होगी, बट ऐसा है नहीं. बिकॉज जैसा कि मैंने शुरू में बताया, वीकेंड पे बहुत मेंटेनेंस वर्क्स रहते हैं ट्रेन लाइंस पे, तो आज भी मेंटेनेंस वर्क था. उस कारण से बहुत सारे डिलेज हुए हैं और ये वाली ट्रेन फुल है. तो जब ट्रेन फुल है तो आई कैनॉट शूट इट, यू नो. आई थिंक पीपल वॉन्ट लाइक इट. हाउ एवर, बिकॉज ऑफ प्राइवेसी रीजन विच आई रिस्पेक्ट, लेकिन मैं आपको जितना दिखा सकती हूँ मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी. सो आइए मेरे साथ एक छोटा सा टूर करते हैं यूके की ट्रेन का. ये जो ट्रेन है ये GWR की ट्रेन है और GWR की फुल फॉर्म होती है ग्रेट वेस्टर्न रेलवे. तो डिफरेंट डिफरेंट रेलवेज़ हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज़ हैं जो अपनी अपनी ट्रेन्स चलाती हैं यहाँ पर. कोई ग्रेट वेस्टर्न है, कोई अरीवा ट्रेन्स हैं, तो कोई सदर्न वेस्टर्न रेलवेज़ हैं. सो टुडे आई एम ट्रैवलिंग टू लंदन वाया ग्रेट वेस्टर्न रेलवेज. सो ये ग्रेट वेस्टर्न रेलवे की ट्रेन है. तो ये डोर है एंट्री और एग्जिट के लिए. ये टॉयलेट्स हैं. तो यहाँ पर साइकिल स्टैंड्स भी होते हैं, यहाँ पर आप अपनी बाइसिकल्स को स्टोर्स कर सकते हो. तो बहुत सारे लोग साइकिल से भी ट्रैवल करते हैं, वो अपने घर से स्टेशन तक साइकिल पे आते हैं एंड देन दे कैरी देयर साइकिल विद देम और फिर जहाँ भी उनको जाना होता है नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे वो उस डेस्टिनेशन पे जाते हैं. तो उन लोगों के लिए यहाँ पर साइकिल्स को स्टोर्स करने के लिए भी जगह होती है. ये इन केस ऑफ एमरजेंसी इफ यू नीड टू ओपन द डोर, ये सब उसके लिए है. और आप देख सकते हैं ऐसी दिखती है ट्रेन अंदर से. अब हम कैबिन के अंदर जा रहे हैं. ये ऑटोमेटिक डोर्स हैं, ये अपने आप खुल जाते हैं. अभी हमारी ट्रेन एक डेस्टिनेशन पर रुकी हुई है और आई डोंट नो, शायद कुछ डिले है. ये लगेज एरिया है जहाँ आप अपना लगेज रख सकते हैं. दिस इज द ट्रेन फ्रॉम इनसाइड. Good morning, ladies and gentlemen. Train barriers relaying to the signalers where they're down on the level crossing. तो हम लोग पहुंच चुके हैं लंदन. तो आप मेरे पीछे देख सकते हो ये लंदन बैरिंगटन का स्टेशन है. मैं आपको अभी दिखाती हूँ, प्रॉपर तरीके से दिखाती हूँ, ठीक है? क्योंकि जितने आप एक्साइटेड हो ये व्लॉग देखने के लिए उतनी ही मैं भी एक्साइटेड हूँ आपको दिखाने के लिए. इस वाली ट्रेन पर आए थे और ट्रेन से उतरकर हम लोग स्टेशन पर खड़े हैं और यहाँ से हम लेंगे लंदन अंडरग्राउंड और अपनी डेस्टिनेशन पर जाएंगे. क्योंकि मोस्टली रेलवे स्टेशन ऐसे ही दिखते हैं. और ये है लंदन पैडिंगटन. तो बस अब हम इन सीढ़ियों से नीचे जाएंगे और अपनी ट्यूब लेंगे. और ये था पैडिंगटन स्टेशन. तो हम लोग जा रहे हैं अब ट्यूब के अंदर और यहाँ पर ट्यूब के लिए आपको टिकट खरीदने की ज़रूरत नहीं है. यू कैन टच योर डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड. तो जो कोई भी डॉग लवर्स है, ये मेरे आगे एक लेडी है, ये उन्होंने डॉग पकड़ा हुआ है. Customer service announcement. I hope that he will be Palat. Palat. Sorry guys, DDLJ wala dialogue yahan par nahi chal paya hai. Anyways, let's go and board the train now. बड़ी ही अजीब चीज़ हुई है, मेरी ट्रेन छूट गई है. वैसे ये अजीब चीज़ नहीं है बिकॉज लंदन ट्यूब्स इतनी बिजी होती हैं और इतनी जल्दी आती हैं और आपको जल्दी जल्दी उस पर चढ़ना होता है. मेरी दोनों फ्रेंड्स दे बोर्ड द ट्रेन बट आई मिस्ड इट. हियर वी गो गाइस, वेलकम टू लंदन. Hi.
सीरियसली गाइस आई कैन नॉट बिलीव. पता मैंने आज जब मैं सुबह घर से निकली थी ना, मैंने सौरभ को बोला था कि मुझे ना कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं जब भी मेट वाली गीत हूँ, और आज मेरे साथ वही हुआ. सीरियसली चलो अब चलते हैं हम आगे. थैंक यू गाइस फॉर लेटिंग अस नो. तो हम लोग फिर से ट्रेन चेंज कर रहे हैं, और इतना हमने मेक श्योर करा है कि हम तीनों एक साथ ट्रेन में चढ़े. ओ माय गॉड दिस इज ब्यूटीफुल वन. ये आपको दिल्ली मेट्रो की याद दिला रही होगी. सो फाइनली वी आर आउट ऑफ द ट्रेन एंड वी हैव रीच्ड एट आवर डेस्टिनेशन. सो माय डेस्टिनेशन है टावर ऑफ लंदन, जो मैं आपको थोड़ी सी देर में दिखाऊंगी, लेकिन अभी तक की जर्नी बहुत अच्छी जा रही है. राइट गर्ल्स? तो बस हम जा रहे हैं राशि की सिस्टर की बर्थडे पार्टी पे, और हम थोड़े से लेट हो गए हैं और थोड़ा सा स्ट्रेस आउट हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे हमारी सिर्फ 2 घंटे की बुकिंग है एक रेस्टोरेंट में. बट अभी चलते हैं. तो मैं भी आपको बताती हूँ हम लोग कहाँ आए हैं. पहले मैं आपको सबसे मिलवाती हूँ. सो गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं, अभी बस सामान रखा ही है हमने. मैं आपको अभी बताती हूँ कि हम कहाँ आए हुए हैं. उससे पहले मीट द बर्थडे गर्ल. सो हियर शी इज पूजा दी. हैप्पी बर्थडे टू यू. थैंक यू सो मच. और राशि और इनसे तो हम मिल चुके हैं. ये है प्रिया दी. हेलो. हेलो. तो हम लोग कर रहे हैं गर्ल्स डे आउट बिकॉज दैट्स हर बर्थडे टुडे, एंड हैप्पी बर्थडे टू यू. इट्स वेरी स्मॉल प्रेजेंट फॉर यू. थैंक यू सो मच. शुरू करें ऑर्डरिंग. ठीक है. या लेट्स डू इट. थैंक यू. सो गाइज हम आए हुए हैं लंदन की बहुत ही प्राइम लोकेशन पर. इसे बोलते हैं कॉपा क्लब. तो क्या कर रखा है इन लोगों ने, इन्होंने ये पॉड्स बना रखे हैं, आप मेरे पीछे देख सकते हो. एंड देयर इज़ अ सिटिंग एरिया इन साइड दीज पॉड्स. आप इन पॉड्स में बैठ के अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ लंच कर सकते हैं, डिनर कर सकते हैं. और जैसा कि मैंने कहा, ये लंदन की बहुत ही प्राइम लोकेशन पर है. सो आप मेरे पीछे देख सकते हो शॉट यूरोप की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है, और ये लंदन में है. और थोड़ी देर में आई विल गिव यू द व्यू ऑफ अ टावर ब्रिज ऑल्सो. तो टावर ब्रिज बहुत ही फेमस ब्रिज है वर्ल्ड में, एंड आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पर आए भी होंगे. बट अगर कोई यूके नहीं आया है और आने की सोच रहा है, गाइज प्लीज़ विजिट दिस प्लेस. इट्स लश. तो हमारा पॉड जो है वो ये वाला है, आप देख सकते हैं सब लोग बैठे हुए अंदर, और हमारा खाना सर्व हो रहा है. सो बहुत तेज़ भूख लगी है. ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं भी जाती हूँ और अपना खाना खाती हूँ. देखो चहल ने ये केक बनाया है, तो यहाँ पे बड़े बड़े कुक भी बैठे हुए हैं भाई. तो बहुत बैठे हुए. तो अगर हमें ये प्लम केक की रेसिपी चाहिए हो, कैसे मिलेगी? चहल की इंस्टाग्राम आई डी है गाइस. अगर आपको इस प्लम केक की रेसिपी चाहिए, होम मेड प्लम केक, सो आस्क हर ऑन हर इंस्टाग्राम पेज. इश्क में ऐसी आग लगे. चाकू कहाँ है? चाकू ये था ना, मैंने आपको दिया था. कहाँ गया? खो ले गई. चाकू ले गई, खोद दीजिए. अरे इससे कोई नहीं, चल ठोक से. तो बस अब हम जा रहे हैं, बहुत मजा आया हमें यहाँ पर. एंड नाउ वी आर लीविंग एंड लीविंग टू क्लिक सम पिक्चर्स. तो ये था कॉपा क्लब. तो ये देख सकते हो आप शार्ट बिल्डिंग, और ये लंदन की लाइट्स, और ये रहा हमारा लंदन ब्रिज. गाइस लंदन की ना वाइब्स ही अलग है. मैंने लंदन ब्रिज अपने पहले वाले ब्लॉग में भी दिखाया है, उस ब्लॉग का लिंक यहाँ ऊपर आ रहा है इस टाइम.
आप ये वाला व्लॉग भी चेक कर सकते हो, बट मैं आपको लंदन रात के टाइम दिखाना चाहती थी कि ये कितना खूबसूरत लगता है। और ये जो आप रिवर देख रहे हो ना, ये थेम्स रिवर है, वर्ल्ड फेमस थेम्स रिवर। चलते हैं अभी, क्योंकि मेरी फ्रेंड्स मेरा वेट कर रही हैं एंड वी हैड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फन टुडे। तो बस अब हम वापस आ चुके हैं और अपनी ट्रेन में बैठ चुके हैं और वापस जा रहे हैं घर ब्रिस्टल। बहुत मज़ा आया, खूब खाना खाया हमने उस कोपा क्लब में और दी का बर्थडे बड़ी अच्छी तरह से सेलिब्रेट करा। नाउ वी आर गोइंग बैक और बस आई कांट वेट टू सी अबीर एंड सौरभ। बीच बीच में मेरी उनसे फ़ोन पे बात हो रही थी और अबीर आज साइकिल चलाने गया था, उसने भी बहुत मज़े करे। तो आई थिंक जब तक मैं घर पहुँचूँगी रात के कुछ 9 बज चुके होंगे और तब तक अबीर सो चुका होगा और मेरी फ्रेंड मुझे ड्रॉप कर देगी घर पे। और दैट्स इट, इट वाज अ गुड डे। आई होप कि आपको कोपा क्लब और टावर ब्रिज का व्यू और शार्ड ये सब पसंद आया हो। मैं ज़्यादा लंदन नहीं दिखा पाई बट हम लोग अभी यही बात कर रहे थे कि हम दोबारा से प्लान बनाएंगे और हम लोग मिलेंगे दोबारा से, एक और गर्ल्स डे आउट करेंगे बिकॉज एज यू नो गाइज मेरा बर्थडे आ रहा है। सो लेट्स सी अगर मैं अपने बर्थडे पे कुछ प्लान करती हूँ और तब मैं आपको अपने और भी दोस्तों से मिलवाऊँगी। और ये दोनों यहाँ बैठे हुए हैं कि ट्रेन में बहुत रश है और आई थिंक दिस इज़ द लास्ट ट्रेन ऑफ द डे, तो इसलिए आई थिंक इट्स फुल। तो ये दोनों बैठे हैं यहाँ पर और दोनों बहुत ही इम्पेशेंट हो रखे घर पहुँचने के लिए। हाँ, सुपर टायर्ड हो। मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। थैंक यू, टू मच फन, टू मच फन विदाउट किड्स। सीरियसली आई थिंक इट वाज रिक्वायर्ड, कई बार इस चीज की जरूरत होती है ना। मामास डे आउट, मामास डे आउट, हां मामास डे आउट। या थैंक यू सो मच, थैंक यू प्रीति, वी लव स्पेंडिंग टाइम विद यू। या और तुम्हारे पास आने वाले हैं लोग अब इंस्टाग्राम पे प्लम केक की रेसिपी लेने के लिए। तो चलें व्लॉग का करते हैं यहीं पे एंड और मैं आपसे मिलूंगी अब नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बस 70 के होने वाले हैं सब्सक्राइबर्स, जल्दी करो। चलो फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।